An Academy. Let's crack it. या फिर पहले मतलब हो सकता है आगे चल के वापस आपको फिजिकल रूम में जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। वहां पे जो सवाल जवाब होंगे वो आपके आपके पास के बारे में होंगे मोस्टली। अच्छा सर, क्या 10th 12th के नंबर या कॉलेज डिग्री के नंबर मैटर करते हैं जब हम आईआईएम्स को टारगेट कर रहे होते हैं? थोड़े मैटर तो करते हैं बिकॉज टॉप बी स्कूल जो है वो काफी देखते हैं इन इन नंबर्स को। लेकिन मेरा जो एडवाइस रहता है स्टूडेंट्स को बच्चों को वो ये रहता है कि चलो ठीक है मैटर करता है तो करता है, जो हो गया उसको क्या कर सकते हो, आगे की जो तुम्हारे हाथ में चीजें उस पर फोकस करो ना। अगर तुम अच्छा स्कोर करोगे कैट में और टॉप टॉप एग्जाम में तुमको अच्छा बी स्कूल मिल जाएगा, ये गारंटीड है। और एक बार अच्छा बी स्कूल मिल गया उसके बाद अपना चैलेंजेस उठाओ, उस पर काम करो, उसको ओवरकम करो, तुम्हारा लाइफ अच्छा रहेगा। दैट शुड द ऑब्जेक्टिव है ना। बहुत जैसे मैं बहुत बहुत स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कि सर मेरा तो परसेंटेज ही 10th में परसेंटेज कम हो गया, अहमदाबाद तुम्हारे को बुलाएगा ही नहीं। अहमदाबाद नहीं बुलाया इसका मतलब क्या, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? कुछ तो करोगे ना तुम, तो फाइट तो करोगे ना, या तो उसका दरवाजा तोड़ खोल नहीं रहे तो तोड़ने का कोशिश करोगे, नहीं टूट रहा है तो किसी और भी स्कूल में जाके वहां पे प्रूव कर दोगे कि मैं और बेटर हूँ वहां के स्टूडेंट से। ये एक आईएएस का एग्जाम तो नहीं है कि आईएएस बन गए तो जिंदगी भर आईएएस रहेंगे और आईपीएस बने तो जिंदगी भर।